आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तनिष्क के डेली वेयर गोल्ड एंड डायमंड स्टड ईयरिंग के डिज़ाइन, जो आप सबको बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लगेंगे बिकॉज ऑफ सभी डिज़ाइन लेटेस्ट ही हैं। एंड अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस ज़रूर कर लेना। तो सबसे पहला डिज़ाइन है गोल्ड एंड डायमंड की हुप ईयरिंग्स, जो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं गाइस। इस ईयरिंग्स की रिक्वेस्ट इसलिए ज़्यादा रहती है कस्टमर्स की बिकॉज ऑफ ये ईयरिंग्स डेली रूटीन में पहने जा सकते हैं और बहुत ही कंफर्टेबल फील होता है इन ईयरिंग्स को पहनने के बाद। रेंज की बात करूँ 54,000 इसकी रेंज है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ डिज़ाइन आपको अगर गोल्ड में चाहिए 22 कैरेट में, सो वो भी आपको मिल जाएगा। एंड इसमें I1 I2 क्लैरिटी के डायमंड यूज़ किए गए हैं, प्लस GH कलर है और 18 कैरेट गोल्ड में डिज़ाइन रहेगा। इसके बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन जो आपकी ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ साथ वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहना जा सके, तो ये प्योर 22 कैरेट गोल्ड में ड्रॉप ईयरिंग्स हैं जिसमें मैट एंड ग्लॉसी पॉलिश यूज़ करी गई है। 3.7 ग्राम टोटल वेट है, 32,000 इसकी रेंज होगी एंड ये भी ईयरिंग्स आपको प्योर 22 कैरेट गोल्ड में मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वन गाइस, जो डिज़ाइन मैं आपको दिखाने वाली हूँ ना, वो भी कुछ इस तरह का ही है, बट उससे पहले मैं आपको एक बेबी ईयरिंग्स दिखाती हूँ। अगर अपने बेबी ईयरिंग्स बेबी को गिफ्ट करने हैं या फिर जैसे हमारे ऊपर के कान हम लोगों ने बिंधवाए होते हैं तो उसमें ना बिल्कुल छोटे छोटे ईयरिंग्स पहने हुए बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो लाइट वेट में भी आपको इस तरह का कलेक्शन बहुत सारा मिलने वाला है, जैसे कि ईयरिंग्स ओनली 4.1 ग्राम में है जिसकी रेंज 8,800 रुपीज़ रहेगी। और आप लोग देख सकते हैं ये ईयरिंग्स प्योर 22 कैरेट में है बिकॉज ऑफ इसका जो स्क्रू है ना वो भी गोल्ड का ही आएगा। इसके बाद ये वाली ईयरिंग्स की मैं बात कर रही थी क्योंकि ये ईयरिंग्स भी आपके ट्रेडिशनल ड्रेस के साथ साथ वेस्टर्न ड्रेस के साथ पहने जा सकते हैं एंड ये ईयरिंग्स प्योर 22 कैरेट गोल्ड में आएंगे। बहुत ही सुंदर और लेटेस्ट डिज़ाइन है आज की डेट में। एंड मिनी ड्रॉप ईयरिंग्स भी आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग ड्रॉप वाले ईयरिंग्स ये बिल्कुल भी नहीं है गाइस। एंड इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सबसे पहले मैं आपको इसका वेट बता देती हूँ कि कितने वेट में आपको ये ईयरिंग्स मिलने वाले हैं। जस्ट 3.76 ग्राम के अंदर है। इसके बाद गाइस डायमंड ईयरिंग्स आएंगे जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इसकी रेंज इतनी भी ज़्यादा नहीं है, शायद आपको दिखने में ये लगे ईयरिंग्स की हाई रेंज के होंगे, बट ओनली 63,000 की रेंज के अंदर ईयरिंग का डिज़ाइन है। ऐसे ही टू क्लैरिटी के डायमंड आएंगे और GH कलर आएगा, मतलब कलर क्लैरिटी हाई होने के बाद भी आपको इसकी रेंज इतनी ज़्यादा नहीं मिलने वाली। बट अगर आप यही ईयरिंग्स I1 I2 क्लैरिटी में बनवाते हैं तो शायद आपको थोड़ी कम रेंज के अंदर मिल जाए। इसके बाद गाइस डायमंड के स्टड ईयरिंग्स आएंगे जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं और डेली रूटीन के अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट डिज़ाइन है। राउंड शेप की ईयरिंग्स हैं, डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत अच्छी लग रही है, देखिए आप। ओनली 47,000 की रेंज के अंदर ये ईयरिंग का डिज़ाइन आएगा और 18 कैरेट गोल्ड में रहेगा। टोटल इसमें 34 डायमंड यूज़ किए गए हैं। इसके बाद गाइस नेक्स्ट वन गोल्ड एंड डायमंड के हुप ईयरिंग्स आएंगे जो कि बहुत ही क्यूट हैं, मतलब जिनको सिंगल लाइन के ईयरिंग्स पहनना बहुत ही पसंद रहता है तो उनके लिए ये वाला डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है गाइस। और ये डिज़ाइन 18 कैरेट गोल्ड में रहेगा, 44,000 इसकी रेंज होगी। एंड इसमें कौन सी कट क्लैरिटी के डायमंड्स हैं गाइस, SI2 क्लैरिटी के और GH कलर, 26 इसमें टोटल डायमंड यूज किए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वन डिजाइन है गोल्ड के ईयरिंग्स जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, और ये ईयरिंग्स भी गाइस मिनी ड्रॉप लुक में आपको मिलेंगे। बट इसमें ना एक बेनिफिट है कि ऊपर का इसका जो शेप है ना वो राउंड शेप फ्लावर में आएगा, जिनके कान के होल बड़े हैं ना तो उनको ये होल को छुपाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये ईयरिंग्स। और बहुत क्यूट ईयरिंग्स हैं, 3.4 ग्राम के अंदर है, 28,909 रुपीज़ इसकी वैल्यू रहेगी। और ये इसका प्रोडक्ट कोड है, ऑलरेडी मैंने आपको दिखा दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। नेक्स्ट वन गाइज आप सबका फेवरेट वाला डिज़ाइन, गोल्ड के पर्ल ईयरिंग्स।
मुझे पता है कि आपको ये कितने ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये इयररिंग्स हमारी हर ड्रेस के साथ मैच हो जाता है इजिली और बहुत ही अच्छा लगता है पहना हुआ। 2.8 ग्राम वेट में ये इयररिंग्स है, जिसकी वैल्यू 20,000 रहेगी एंड 18 कैरेट गोल्ड में डिजाइन रहेगा। चेक कर सकते हैं आप इसकी डिजाइनिंग को गाइस, एंड दिस इयररिंग्स 18 कैरेट गोल्ड, क्योंकि पर्ल हो या फिर डायमंड स्टोन हो वो 18 कैरेट गोल्ड में ही यूज किया जाता है। सो इसके बाद अगर आपको हाई बजट डायमंड में इयररिंग्स लेने हैं पार्टी वगैरह के लिए, फंक्शन के लिए, तो आप इन इयररिंग की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इनकी रेंज थोड़ी ज्यादा रहेगी। इसमें डायमंड भी बहुत ज्यादा यूज किए गए हैं गाइस। सो बात करी जाए इस इयररिंग की प्राइसिंग की, तो 1,98,000 इसकी रेंज रहेगी एंड दिस इयररिंग्स 18 कैरेट गोल्ड, और इसमें ना I1 I2 क्लैरिटी के डायमंड यूज किए गए हैं प्लस GH कलर, बट ये इयररिंग्स 14 कैरेट गोल्ड में रहेगा, नोटे 18 कैरेट गोल्ड में। सो नेक्स्ट वन गाइस जो डिजाइन में दिखाने वाली हूँ वो नवरत्न इयररिंग्स। नवरत्न इयररिंग्स में मल्टी कलर का स्टोन यूज किया जाता है, जिसके कारण वो हमारी हर ड्रेस के साथ इजिली मैच हो जाता है। हमें अलग से बार बार इयररिंग्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह के और भी अगर आपको डिजाइन देखने हैं तो आप सिमरन संधू ब्लॉग को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड इसकी रेंज मैं आपको बता दूँ तो 54,000 इसकी रेंज है गाइस। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना, और बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपके पास मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जा पाए। लास्ट वन जो इयररिंग्स है ना, मैं आपको इसका प्राइस तो नहीं बता पाऊंगी बिकॉज ऑफ ये कस्टमर ऑर्डर इयररिंग्स है। फिर भी अगर आपको जानना है इसका प्राइस तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में शेयर कर दूंगी इस इयररिंग का प्राइस। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो कस्टमर के पास ना इसका पेंडेंट था, उन्होंने सेम इयररिंग्स बनवाए हैं जो कि ऑर्डर पर बनकर आ चुके हैं। देख सकते हैं ऑर्डर पर डिजाइनिंग बहुत ही अच्छी आती है गाइज, आप लोग भी बनवा सकते।